जैसे ज्यादा स्पेशल सही चिकरण मास्टर जी हमारे यहाँ प्यार एंड रेस्पेक्ट शामन चौड़ेड थवान कैमरा बंद करना भी चाहिए, करना भी चाहिए. टीचर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ये तो अपने हमारे कल्चर में है. Trishti has got some problem with the camera. She just messaged. Pragya, namaskar. Ayusha, call camera on karo. Pragya, namaskar. Namaskar, ma'am. Good morning. Kare chake? And ma'am, which is fine. Taisho mara fine? Thik ko chan. खबर कॉलगेट वाले पे नजर नगे कॉलगेट टूथ पेस्ट किस एड्रेस में फर्स्ट क्लास बेचे रेड रेड चीक स्किन बासन पूर कशर हार्ड कोर कशर पूर थैंक यू मैम बासन क्या चु मतलब इशना कशर ना तो हां मारा मतलब आज पेट वनो बासन छ आज पेट वनो ब आ कथन आज 30 वरी ब्रो यम साथ माइग्रेशन गई मैं आई बेनित त तसु निक इलाहाबाद मेन इज बेनि दिस निक ससी वाज यू वाज इल बूथन हां हां पय इलाहाबाद वाले वुछन तिम गई एक्साइट दोबक दिस इज द रियल कश्मीरी बॉय मगर रोजान तम स्टिल देयर दे हैव गॉट इथ आयशा आंटी करा शुरू किन प्रारंभ टाइम ना ना विहान मासी जी हां इजाजत दो मासी जी से उन्होंने बगैर शुरू करने के मासी जी करा हमारा शुरू अभी 4 मिनट है 10:10 पर एग्जैक्ट ठूल खो चलो ठीक آروشی در چھ بڑ سیریس روزت یہ کیا دلیل آروشی سے کرتے بریک فاسٹ میں نے ابھی ابھی کرا کیا بنا تھا کیا اسے بنو مت کیا بنو مت آلو پیاز پراٹھا واو ٹیسٹی ٹیسٹی تل بھی لیپ ٹاپ پر سوچتے رہتے ہیں نا डिजिटली सोच रहे थे ना ग्रुप पास मस्त राव पराठा मस्त क्या महो स्वाद येड मस्त वहाँ का की बोल वितस्ता वारे चके आंसर मारा नाश्ता करते हाँ जी क्या बनो क्या उस बनो मत प्यासत न बनो मत पोहा एंड चाय पोहा चलो उससे निकल गया बाहर पराठे और ब्रेड से थोड़ा व्योमिनी एंड दिव्यांशी कैमरा मेरा कल बर्थडे भी है मुबारक मुबारक पोस्ट
Now postword, now postword is taken out. Only Mubarak. Already have been discussed. What is it? If I am not aware, could you please? Okay, Vani, Master Ji, Vani Pani. No, that was a recording. अलग बनामत रिकॉर्डिंग शिवानी ने वो आपको दे देगी माइंडस मुबारकी पोस्ट ओके पोस्ट तमाम खानदर आमसा पलो झनान नवि अटहर झनान नव तमाम पोस्ट वन बाकी रिलीजस फेस्टिवल या वोहर वो तथ पे मुबारकी वन क्या लागन ऑर्नमेंट लागन नो लागन नो लागन नो मुबारक अलग वोहर वो मुबारक खानदर मुबारक मगर अगर फेरन से लोग नो तथ पोश्त पलव लगित नो या ऑर्नमेंट लोग नो तथ पोश्त अटोर लोग मर्द मोहनूस नर्द वह मुबारक तमिस कत पलव जनानी लागान पलव क्या बिचार मास्टर जी मुबारक तो कश्मीरी वर्ड नहीं है ना It has been incorporated. कहाँ से? मुबारक कश्मीरी वर्ड नहीं है ना? कश्मीरी वर्ड है क्यों नहीं है? ये तो नहीं ये तो वो है ना incorporated है ना from the Urdu language. अपना तो कश्मीरी I think मुबारक नहीं है. There must be some equivalent word to Mubarak. पाक and साथ which are also not Kashmiri that way. Okay. कश्मीरी लैंग्वेज मिक्सचर ऑफ संस्कृत पर्शियन अरबिक शीना इब्रामी आप किसको निकालेंगे टर्किश आप किस किस को निकालेंगे वनस थोमुत रिसर्च टॉपिक कि ओरिजिनल कश्मीरी वर्ड क्या मुबारक खतर मगर वनिस तान द्राव नुनिस तान मुबारक ना मुबारक मुबारक अच्छा तुम करो पता रिसर्च नहीं वो हमने दिया है ना रिसर्च मतलब गो मुबारक बिकॉज इफ यू थिंक यानी मुसलमान आए कशीर तना आव मुबारक नो यू आर रॉन्ग अरबिक लैंग्वेज तो पर्शियन लैंग्वेज सस बजे वरी पे सिकंदर सिंह सिकंदर सिंह पेशर चलान चले अभी ये डिस्कशन नहीं करेंगे आज इस पर आज हम क्लास शुरू करेंगे चले करना जी हाँ जी आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन ओके अच्छा करुण आज हम रिवाइज करेंगे पिछला जो लेसन था उसका रिवीजन करेंगे ये कोसम लेसन नंबर 9 आज है 26 June 2021 रिवीजन है पार्ट्स ऑफ बॉडी गिव मीनिंग टू वर्ड्स ईच मधु यू हैव टू टेक केयर नेम मैं जैसे मैं पूछूंगी Who will say first? I want people to raise hands and then I'm going to call one by one. Okay. Please raise hands. Ashley. Hair and head. Yes. Yes, ma'am. Hair, mus, head, color. Very good. Forehead and face. Arjun. Forehead, dyak, face, both. Very good. Eye and ear. Niharika. Perch and con. Good. Pragya. Nose and mouth. Nose to nas, the mouth to earth. Very good. Next.
And can you raise hand? Dakshish. Dakshish. Tongue, zeb. Lips, what? What? Good, 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 good. Pranji. Next. Pranji, touch your mute. Teeth, dand, chin, hungai. Good. Hungain. थोड़ा मुश्किल है सब लोग एक बार बोलो हंगाइन 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 वेरी गुड नेक्स्ट थ्रोट एंड नेक योमिनी योमिनी ओके आरुषि थ्रोट इज व्हाट थ्रोट इज होट Neck is garden. Repeat for other students. Dakshesh. Sir. Hair. Mass. Head. Color. Yes. Good. Next. Next student. Adirit. Adirit, Akanksha, forehead, deck, face, booth. Okay. Then Arnav, Arnav. Ma'am, कहाँ से बोलना है? Eye and ear. Eye is ach and ear is kan. Good. Kan नहीं कान कान पता किसको बोलते हैं कान बोलते हैं जब चावल हम बीनते हैं चावल में से जो धान निकलती है तात्वनांच कान इसलिए कान और कान में बहुत ही बड़ा फर्क है कान और कान ओके आगे बढ़ो नेक्स्ट आयुषा Nose cha nas, mouth cha us. Good. Okay, then next. Then Palaksha. Palaksha, roll number 111. Shabash, bolo, try karo. Yeah, ma'am. My name. I did not understand. Okay, पलक्षा क्या नहीं पलक्षा क्या बोल रही है पलक्षा अनम्यूट योरसेल्फ शी सेइंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट नो आई डोंट नो व्हाट टू से पेरेंटल द रिविजन फॉर क्लोज रिलेशंस और बॉडी पार्ट ये जो वर्ड्स हैं इनको बोलना है नहीं नहीं वो बोलते हैं क्या बताना है कौन सा वर्ड बताना है कौन सा वर्ड बताना कहां तक हो गया है चले टीथ एंड चिन बताइए टीथ ये बताओ ग्रीन टांग 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 और लिप्स किसने बोले चिन चिन वेरी गुड वेल डन हाँ फिर नेक्स्ट थ्रोट एंड नेक थ्रोट इज होट And neck is skirt या गर्दन? गर्दन दो में एक चीज वेरी गुड है। Roll number 68 next. Sheen. उसको tongue and lips में? Tongue and lips. Tongue is yav and lips is wood. Good. Okay. Next to Swastik. Yes ma'am. बोलो. Teeth, dant, chin, hangin. Good. Next, throat and neck. Dakshesh. Srishti. Dakshesh, are you there? You're reading? Unmute karo. Throat,
गल नेक ना ना थ्रोट होट थ्रोट इज होट नेक इज गल ना गर्दन या कर थ्रोट इज होट जो अंदर से है होट आ और नेक ये जो है नेक ये गर्दन है या कर है कर था जब कोई पढ़ने बैठता है तो अगर वो झुक के बैठेगा तमिस शिवानंद उसको बोलते हैं कर था शोध मतलब गर्दन सीधी रखो उस समय कर का ही यूज होता है। अच्छा काम बच काम बचे भाई कि ना पकड़ो चलिए आगे चलिए आगे वितस्ता चलिए आगे और भी वर्ड्स आएंगे ना चलिए आगे। अच्छा चलो रिविजन क्लोज रिलेशंस मीनिंग वन रिलेशन ईच स्टूडेंट चलो शुरू करो वितस्ता पैटर्नल अंकल पितर गुड वेरी गुड हां नेक्स्ट स्टूडेंट विहान विहान पैटर्नल पेचिन अरे मेरा स्क्रीन सुन जा रहा है एंड अदिरित मैटरनल अंकल मैटरनल अंकल मॉम मॉम हां गुड मैटरनल आंट नेक्स्ट प्राण जी मैटरनल आंट मामन मामन गुड ग्रैंडफादर नेक्स्ट रतन जी बुडबब वेरी गुड बुडबब ग्रैंडमदर आयुषा कॉल नान यहाँ मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी वैसे पहले भी मैंने बोल दिया है कश्मीरी में दोनों को दादी और दोनों को नानी और दादी दोनों को एक ही बोलते हैं बट सिर्फ ये फर्क है अगर घर के हैं तो उसको बोलते हैं गारिक बुढ़बप गारिच नान अगर मातामाल का होता है तो बोलते हैं गारिक मातामालुक बुढ़बप तो मातामालिच नान दोनों को ही बोलते हैं नान तो बुढ़बप अब है ये नेक्स्ट पैटर्नल अंकल सन अर्जुन पितर बॉय वेरी गुड नेक्स्ट पैटर्नल अंकल डॉटर प्रज्ञा पितर भिन्न गुड पितर भिन्न यस फिर मैटरनल अंकल सन प्यारिका माम पितर बॉय हाँ नेक्स्ट मैटरनल अंकल डॉटर वेरी गुड फिर है रिविजन स्मॉल सेंटेंसेस गिव मीनिंग वन सेंटेंस ईच स्टूडेंट हु आर यू अदिरित बोलेगा अभी अदिरित हु आर यू अदिरित अनम्यूट करो सुकुश चुक गुड अगर बड़ा होगा तो अगर एल्डर होगा तो बोलो अदिरित अगर एल्डरली होगा उसको बोलते हैं तोह कम छुव अगर वैसे ही छोटा है या अपने बराबर है तो उसको बोलते हैं सुकुश छुक नेक्स्ट शो युअर टंग आरुषि अनिन ज़ियाव हा वेरी गुड रीड दिस बुक एशली ये किताब पर गुड नेक्स्ट टुडे इज संडे आरव पंडिता आरव पंडिता टुडे इज संडे आज छे आतवार आज छे आतवार इट इज रेनिंग नेक्स्ट राम जी इट इज रेनिंग रुचु पवन गुड It is snowing. Next. Next. Pragya. Sheen Chupyavan. Good. Is food ready? Palaksha. Palaksha. Dancha is ready. Ready nahi. Batcha tayar. Tayar.
तैयार, बातें छा तैयार, क्वेश्चन जब पूछते हैं तब छा हो जाता है, बातें छा तैयार. नेक्स्ट, पापा हैज कम. स्कूल से देस, कम ऑन अर्जुन दर. पापा हैज कम इज पापा छु आमुट. गुड. गेट वेल सून. नेक्स्ट, रतन जी. जलगत से ठीक. Good. Very good, very good. अब close relations, mother in law. अच्छा, इसको तो पढ़ाएंगे अब. हाँ, this is a new thing. Mother in law को बोलते हैं hush. बहुत ही easy है ये तो. Hush, simple. Daughter in law, nosh. Nosh. जब मैं बोलूंगी अपने आप रिपीट करोगे. Father in law, hihur. दो तरह से लिखा गया है ये. Hihur. Sister's husband, bem. Repeat, hush, nosh, hihur, bem. Brother's wife, bai kakan. Bai kakan. Mother, sister, mas. Mother's sister's husband, masu, easy. Mas and masu, very easy. Father, sister, pof. Father, sister's husband. Puchna hai kisi ko. Ye padenge, hum wapas repeat karenge phir. Father, sister's husband, papu. Great grandfather, bade budi bab. Bade budi bab. Great grandfather, mother, sorry, great grandmother, bad nan. हाँ, आप पूछो, वापस समझाएंगे पढ़ाने के लिए. पूछो, पूछना है, नहीं तो मैं रिपीट करूंगी. वही काक है, कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आंसर करने के लिए मैंने अपना हैंड रेज किया था. हाँ, भाई काकन, मास, मासु. ऊपर ऊपर और है क्या? ना, ऊपर तो वो पढ़ लिया था. ये यहां से, अच्छा, हाँ, फिर से ये मैंने पढ़ लिया था, रिपीट किया था. हाश, नौश, हिहुर, बेम. भाई काकन, मास, मासु, पफ, पफू, बड़े बूढ़े बब, बड़े नान. अब होम असाइनमेंट क्या है? राइट ऑल अबव रिलेशंस इंग्लिश प्लस मीनिंग इन योर नोटबुक. रीड लाउडली एंड सेंड ऑडियो एंड फोटो ऑफ पेजेस टू मास्टर जी. ठीक? डाउट है सर. मैम, डाउट है. डाउट है, बोलो. सृष्टि, ओके. बड़ की स्पेलिंग में बी ए डी यू पे स्लैश क्यों आया है? कैप क्यों नहीं आया यू पे? हाँ, यू आर राइट. गलती है वो. यू आर राइट. थ्री चेयर्स फॉर यू. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मतलब आप सही समझे. थ्री चेयर्स फॉर हर. थैंक यू सर. वो गलती है मास्टर जी की और आप सही हैं. यू आर राइट. शाम तक ठीक हो जाएगी. मैं जरा वापस बोलिए, कहाँ की बात है ये? ग्रेट ग्रैंडफादर रोमन में. रोमन में, रोमन में, बड़े बुजबब. अच्छा, रोमन में. अच्छा, रोमन को तो मैं देखती हूँ. बड़े का यू जो है उसके ऊपर कैप होनी चाहिए. ठीक, इज राइट. बेमारा गो साफ सुनिए. इचना बे काकन, इचना बे काकन, इच बे काकन, बे काकनी छ असली लफ्ज. अछ वना बे काकन शॉर्ट के. अच्छा, अछ वना काकनी सही. बे या किन बे? गलती जानवा. बे काकन, बे काकन मिनल, बे खान दारिन, बे किन खा. चलो ठीक. अब ये है स्मॉल सेंटेंसेस. क्या हैं? आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे? से छुए आज दिल्ली गत्सुन. से छुए आज दिल्ली गत्सुन. से हो गया, तुम्हें
छुई हो गया अब मैं उसके बाद बताऊंगी. आज हो गया टुडे, दिल्ली हो गया दिल्ली, दिल्ली को बोलते हैं कश्मीरी में दिल, गच्छन हो गया जाना. छुई हो गया क्वेश्चन में पूछते हैं छुई. आर जैसे क्वेश्चन में इंग्लिश क्वेश्चन में आर आ गया, कश्मीर में आया छुई. से छुई आज दिल गच्छन. ठीक. नेक्स्ट है यस आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे. आ मैं छु आज दिल गच्छन. आ मैं छु आज दिल गच्छन. नो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे. ना मैं छुन आज दिल गच्छन. ना मैं छु न आज दिल गच्छन. Has Vishnu ji come to your home? Arushi Darch Lekhan, do we have to write all relations? Yes. आपको जब PDF मिलेगा उसमें लिखा होगा कि क्या क्या काम करना है. जो वहां लिखा होगा वो सब करना है. और दूसरी बात है मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना अपना नाम लिखते हैं ना अपना रोल नंबर लिखते हैं ना लेसन नंबर लिखते हैं. तुमसे सदु शुरू करन और हमें पता ही नहीं चला ये चलता है ये किसने भेजा है और कौन क्या रोल नंबर है क्या नाम है कौन सा लेसन है. तो जब भी आप लिखेंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें अपना नाम अपना रोल नंबर और लेसन नंबर जरूर बोलिए. प्लीज राइट ऑल द डिटेल्स व्हाटएवर इज मास्टर जी सेइंग प्लीज नोट इट डाउन. और कुछ बच्चे क्या करते हैं आधा काम लिखते हैं और फिर मुझे पूछते हैं सर कुछ रह गया क्या. ये आपका काम है जो PDF आपको मिलेगा उसमें आपको दो बार तीन बार आपको देखना है कि घर के लिए क्या काम दिया हुआ है वो देखकर ही काम करना चाहिए. ओके ठीक है. ओके देन हैज विष्णु जी कम टू योर होम. विष्णु जी छा चोन घर आमुद. रिपीट करूंगी मैं. विष्णु जी छा चोन घर आमुद. नेक्स्ट है यस विष्णु जी has come to my home. आ विष्णु जी छु म्योन घर आमुत. आ विष्णु जी छु म्योन घर आमुत. नो विष्णु जी has not come to my home. ना विष्णु जी छुन म्योन घर आमुत. ना विष्णु जी छु न म्योन घर आमुत. ठीक आगे बढ़े कि फिर से बढ़े. आई हैव अ डाउट करना जी बोलिए. आज आज ये और जो आज है आप आज बोल रहे हो तो आ होना चाहिए कि आज बोल पढ़ना है. How do you say that word today? Today go आज आज अ और ज अ और ज में बिंदी. आज बोलना है. आज 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 ये छु आज दिल आम गसन मैं छु आज दिल गसन. जैसे हिंदी में बोलते हैं आज इसमें आज नहीं है इसमें है आज अ और ज में बिंदी है आज. क्लियर. थैंक यू थैंक यू. पच्छी इज इट हॉट आउटसाइड टुडे. आज छा निबर किन गरम. आज छा निबर किन गरम. यस इट इज हॉट आउटसाइड टुडे. आ आज छु निबर किन गरम. आ आज छु निबर किन गरम. नो इट इज नॉट हॉट आउटसाइड टुडे. ना आज छु न निबर किन गरम. जरा सा फर्क है आ ना हो और हाँ बाकी चीजें सेम है. ना आज छु न निबर किन गरम. ना आज छु न निबर किन
गर्म। मैम बोलिए। मैम किन का क्या मतलब है यहाँ पे? किसका? नेबर किन में किन? हाँ, नेबर किन का आउटसाइड। पूरा इस नेबर किन का मतलब आउटसाइड? हाँ, नेबर किन है आउटसाइड। अच्छा, किन का मतलब साइड है। on that side, जैसे inside है का अंदर किन, outside का नेबर किन। Okay, out and side, in and side. Okay. फिर है, has Suruchi gone to office? Suruchi cha daftar gamuts? Suruchi cha daftar gamuts? Yes, Suruchi has gone to office. Ah, Suruchi chi daftar gamuts? A Suruchi ch daftar gamuts? No, Suruchi has not gone to office. Na Suruchi chan daftar gamuts? Na Suruchi chan daftar gamuts? Is that clear? Aage badhun ki kuch kisi ko puchna? Any doubts? Any doubts, anybody? Please raise your hands. मुझे पूछना था कि गसुन और गसुन में क्या फर्क है? गसुन और गसुन, गसुन इज नो वर्ड, गसुन ही है, गसुन इज नॉट वर्ड, दिस इज गसुन। गसुन छ में बिंदी है, गसुन। ठीक है, समझ गया। ये तो संस्कृत वर्ड से है ना, गच्छ, ये है गसुन। नेक्स्ट है फिर, इज नियति गोइंग टू पिकनिक टुमारो? नियति छा पगा चक्रस गसुन? देखो चक्रस बोलते हैं कश्मीरी में घूमने फिरने को। नियति छा पगा, पगा हो गया टुमारो, चक्रस गसुन? नियति छा पगा चक्रस गसुन? यस, नियति विल गो फॉर पिकनिक टुमारो। आ नियति छु पगा चक्रस गसुन? आ नियति छु पगा चक्रस गसुन? नो, नियति विल नॉट गो फॉर पिकनिक टुमारो। ना, नियति छुन पगा चक्रस गसुन? ना, नियति छुन पगा चक्रस गसुन? ठीक, Shall I proceed? Any questions? समझ आ रही है? समझ आ रहा है? Any doubt, please ask. Good. तो हैंड रेज करके प्लीज पूछ लीजिए। केचु प्रचुन प्रचिव प्रचिव। Clear your doubts. Clear your doubts. Shall I proceed? एक मिनट, बस एक सवाल जो। हाँ, पूछिए पूछिए। मुझे एक शक, द सर की स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर, मगर अगर मुझे याद ठीक, इन द व्हेन वी लर्नड सर की स्पेलिंग, यू सर, वो शायद अलग थी क्या हमारे इनिशियल, बिकॉज वी वर जब वोवल्स लर्न कर रहे, याद कर रहे थे, तो ब तेत सर की उसमें शायद या तो स्पेलिंग या तो डिफरेंट थी या तो मैंने गलत नोट डाउन किया है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसके नीचे चंद्र वहां था जितना मुझे याद है, व्हाट वी हैड लर्न्ड, चके नीचे चंद्र, बिंदी और चंद्र, इट इज सेम एवरीवेयर, उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज यू, चके नीचे बिंदी और चंद्र, इट्स, तो आई थिंक ऊपर वाले सर में देयर वाज, नहीं नहीं, अगर ऊपर है तो वो कुछ उसमें, वो नहीं नहीं नहीं, वो नीचे है, वो नीचे है, जरा फिर से बोलो आयुष, फिर से बोलो, तो ब ते स वाला जो मात्रा है, हाँ, इस वो इस वाले स में होने चाहिए था ना मास्टर जी, क्या होना चाहिए था, द ब वाली मात्रा, हाँ, तो ब के नीचे चंद्र है और च और डॉट के नीचे चंद्र है, इस ब एंड स, इस वाले आई थिंक अभी ऊपर जब हमने पढ़ा था सर में नहीं था वो, इफ आई एम करेक्ट, नहीं कहां पर नहीं था, ऊपर करो, आई मे बी रॉन्ग, ऊपर करो, कहां पर तो था सर, जो मैं
सचु आज दिल्ली का सुन उसमें शायद नहीं था हाँ चंद्र नहीं होगा दैट इज नॉट ओके आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे दिस इज नॉट छुए दिस इज से और बिंदी के ऊपर डंडी है यहाँ पर हो गया तुमको यहाँ हो गया तुमको और हो गया तुम रहेगा लेकिन चंद्र नहीं रहेगा चंद्र के बदले में ऊपर डंडी आएगी टेढ़ी डंडी से छुई आज दिलेगा सुन ओके इज दैट क्लियर दो शब्दों का मिलन ओके ठीक चलिए चलिए इज इट रेनिंग आउटसाइड नेबर किन छा रूद पेवान यस इट इज रेनिंग आउटसाइड आ नेबर किन छु रूद पेवान आ नेबर किन छु रूद पेवान नो इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड ना नेबरकिन छुन रूद पेवान ना नेबरकिन छुन रूद पेवान इज इट सुनील जीज बर्थडे टुडे आज छा सुनील जीस वोहर वोद आज छा सुनील जीस वोहर वोद बर्थडे को कश्मीरी में बोलते हैं वो हर वो सबको पता होगा और हमने क्या रखा है जब बर्थडे होता है तो इंग्लिश वाले को बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं लेकिन जब कश्मीरी वाला होता है अपने हिंदी कैलेंडर से तो उस समय हम वो हर वो बोलते हैं उस समय हमने मना किया है बर्थडे बोलने के लिए इज इट अच्छा सुनील जी का वो बर्थडे हो गया आगे बढ़ते हैं आज छू सुनील जी एस वो हर वो आज छु सुनील जीस वोहर वोद नो इट इज नॉट सुनील जीस बर्थडे टुडे ना आज छुन सुनील जीस वोहर वोद ना आज छुन सुनील जीस वोहर वोद क्लियर शैल आई प्रोसीड अक्षत सॉरी हाँ पूछे बट चु दपान वोरवोद बट इज इट इजंट बट डोंट वी ऑल इज इट इज जायदो आल्सो यूज्ड जादो जादो मुस्लिम यूज करते हैं जादो मुसलमान यूज करन बट करन वोरवोद यूज पर दोनों में कशी बोथ आर कश्मीरी वर्ड्स हां जादो छ मुसलमान हो ना उछ वना जैसे तिम छ वाटर सुना आब उछ वना पूंज ठीक नेक्स्ट है सेंड मैसेज टू रुचिराजी सोज शेच रुचिराजी सोज शेच मैसेज हो गई शेच डोंट सेंड मैसेज टू रुचिराजी रुचिराजी म सोज शेच रुचिराजी करेक्ट लेकिन वहां म बताया गया रुचिराजी सोज शेच रुचिराजी म सोज शेच शी विल कम हरसेल्फ सई पाने सई पाने ठीक सेलेक्ट एनी फाइव ग्रुप्स फ्रॉम अबव राइट डाउन ऑन नोटबुक इंग्लिश प्लस मीनिंग रीड लाउडली एंड सेंड ऑडियो एंड फोटो ऑफ पेजेस टू इनको ग्रुप बताइए ग्रुप कौन सा है पांच ग्रुप कौन से मतलब ग्रुप वहां पर कौन से हैं वो इनको फिर से बताइए ये जो एक एक कलर में दिया हुआ है वो एक एक ग्रुप है ओके नीचे 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 नीचे
ऊपर नहीं नीचे नीचे अभी जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे थे. अच्छा ये ना आज जो पढ़ाया हमने. हाँ, ये दीज आर ग्रुप्स. जैसे भी ब्लू ग्रुप पहला है, नेक्स्ट है, मैजेंटा ग्रुप है, कलर है, उसके बाद ये दूसरा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन है, एक ग्रीन शेड है, फिर दूसरा ग्रीन शेड है, फिर एक ग्रुप है. तो ऐसे पांच ग्रुप आपको सिलेक्ट करने हैं एंड यू हैव राइट ऑल द सेंटेंसेस एंड सेंड इट्स फोटो, रीड इट एंड सेंड द ऑडियो. इज दैट क्लियर? मैम डाउट था एक. बोलो. मैम सुरुचि ऑफिस जाने वाले वाले सेंटेंस में अगर हमारे कोर्स के स्कोप में है तो वो 6 और 6 का डिफरेंस बता दीजिए. कहाँ पर है? लाइए उसको नीचे. कौन सा है? सुरुचि हैज गॉन टू ऑफिस. नीचे नीचे ग्रीन. हाँ सुरुचि 6 दफ्तर गमस. अब क्या शक है आपको? ये अब तक हमारे आंसर्स में 6 आ रहा था, यहाँ पे 6 नहीं. सुरुचि लड़ी तो फीमेल हो गया. हाँ मर्द होगा तो 6 आएगा. पर फिर 6 और 6 में क्या? 6 में 6 इज विद मोर रेस्पेक्ट. सुरुचि 6 दफ्तर गम, दैट इज मोर रेस्पेक्ट. बोथ आर करेक्ट. अच्छा ओके. जब 6 बोलेंगे लेडी के लिए तो दैट इज मोर रेस्पेक्ट. अदरवाइज 6 इज आल्सो करेक्ट एंड 6 इज आल्सो करेक्ट. ओके ओके सर. सर वो जो नहीं नहीं मास्टर जी अगर हमारा अजन ऐसे दफ्तर गसुन तेरे अगर लेडी ऐसे जानता है जेजुली अपुन छो. हाँ छो इसी में समझाऊं थोड़ा सा. वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क या वर्ब पर. अगर दफ्तर जाना होता सुरुचि छो दफ्तर गसुन तो छो आ जाता था, तब दफ्तर मैस्कुलाइन बन जाता है. तो वो जो रिस्पेक्ट वाला सुरुचि 6 है वो वहां नहीं आएगा. वो वहां नहीं आएगा. वो तो यहां आएगा. नो सर मैं पूछ रही हूं कि वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए नहीं. 6 खाली फीमेल के लिए होता है. सुरुचि विद रिस्पेक्ट फॉर फीमेल. पर सर स्वच्छ टीचर या स्वच्छ उस्ताद या स्वच्छ उस्ताद दोनों करेक्ट हैं. 6 इज विद मोर रिस्पेक्ट सर. और 6 है विद मोर पीपल आल्सो. ओके अगर ज्यादा होंगे उसमें 6 आएगा. तुम 6 टीचर या 6 आएगा मोर पीपल में भी. ओके और क्या क्वेश्चन है? मेरा ये क्वेश्चन था जैसे ये हमने ऑफिस का मेल और फीमेल देखा क्योंकि नीचे नियति पिकनिक में 6 यूज हुआ है तो हम ऑफिस का जेंडर देखते हैं. कहां पर गया है? सुरुचि के जस्ट नीचे. नियति छु गसुन 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 की वजह से छु पगा चक्रस गसुन चक्रस चक्रस छु चक्रस गसुन. वो पिकनिक का हमने देखा जेंडर. हाँ यस ना गसुन 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 की वजह से गसुन की वजह से छु हो गया. नियति छु पगा चक्रस गसुन. ये जो छु है ये कनेक्टेड विद द वर्ब है. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब. ये आप सेंटेंस दर सेंटेंस आप सीखेंगे. देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन कश्मीरी. कहीं कहीं ये चेंज भी हो जाता है और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. लेकिन ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है. और यहां पर दिस इज कनेक्ट टू वर्ब. नियति छु पगा चक्रस गसुन इट इज कनेक्टेड टू वर्ब. नियति छु गसुन अगर चक्रस नहीं भी होता तब भी हम बोलते हैं नियति छु गसुन. ओके सर थैंक यू. थैंक यू मैम. दीज थिंग्स आर टू बी नोटेड. जब आप ऐसे सेंटेंस करोगे उसमें नीचे लिखना है कि इसमें ऐसे ही होएगा. क्यों होएगा? क्योंकि ये वर्ब से कनेक्टेड है. सर हां जी. बट देन जैसे ये सुनील जी का बर्थडे है नहीं ऊपर ऊपर ले जाइए इसको डॉक्यूमेंट को ऊपर ले जाइए. हाँ बोलो
बोलती ना मेरे को नियति वाला था सुन ना गत सुन नियति लिखा है आज नियति ऊपर है ऊपर ये नियति हाँ क्या शो सर जैसे यहाँ पे लिखा है ना नियति सुन पगा चक्रस सुन पगा चक्रस गत सुन हाँ तो नीचे जो बर्थडे वाला है ना आज छो ना सुनील जी एस वॉरवर्ड तो उधर भी वी आर यूजिंग छू राइट मर्द के लिए तो छू आता ही है और यहाँ पर ये जो है नियति छुन पगा दिस इज कनेक्टेड विद गसुन नहीं भी होता तब भी हम कहते हैं नियति छुन गसुन या नियति छु गसुन ओके सर दिस इज कनेक्टेड द वर्ब ओके सर ओके थैंक यू सर लेकिन इसको अगर हम एक मिनट इसको फिर से लाइए ये जो कश्मीरी ग्रामर है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम बोलते हैं नियति इज गोइंग देन वुड से नियति छ गसन फिर वहां छू नहीं आएगा ओके तो दिस इज नॉट कि आप नहीं समझे जो कश्मीरी बोलने वाले और 50 साल से भी बोल रहे हैं उनकी समझ में ये ग्रामर नहीं आता है बट वी रिमेम्बर द सेंटेंसेस और हमें ये सेंटेंस करके ही याद रखना पड़ता है अच्छा ओके सर थैंक यू सर अच्छा नाउ ये वाला असाइनमेंट हो गया कलर्स वाला तो समझ आ गया कि कैसे कैसे करना है मास्टर जी ने समझा दिया अब ये है लर्न कश्मीरी राइम अच्छा आ गई ये वाली राइम आ गई ये ग्रामर में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कश्मीरी ग्रामर इट इज मान लीजिए हम डून बोलते हैं एक वॉलनट इज डून अब प्लूरल उसका है डून ओके डून डून एंड दिस इज मैस्कुलिन मुझे क्वेश्चन था हां बोलो हम क्वेश्चंस में छा लगाते हैं या क्या लगाते हैं छा लगाएंगे तो क्वेश्चन होगा जरूरी नहीं कि हर जगह क्वेश्चन में छा ही होगा लेकिन अगर छा है पहले तो वो क्वेश्चन है एक्चुअली कश्मीरी में इंट्रोगेटिव वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट में ही इंट्रोगेटिव वर्ब मारा है ओके मास्टर जी थैंक यू नहीं जितना हम पढ़ रहे हैं उसी में ध्यान दीजिए उसके आगे मत सोचे क्योंकि आगे सोचने से गलत होगा जब वहाँ वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी जितना कर रहे हैं उतना करो कश्मीरी ग्रामर की कॉम्प्लिकेसी में बता रहा था जैसे डून है वन डून इज डून प्लूरल इसका लेंगे तो इट इज डून 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 इज मैस्कुलिन देन इफ यू से कून कून इज ऑल्सो मैस्कुलिन कून है अगर बहुत सारे हैं तो उनको कून नहीं बोलते हैं उनको कून ही बोलते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है अगर हून बोलेंगे उसको हून बोलेंगे मैस्कुलिन है और जब बहुत सारे होंगे तो हून बोलेंगे और जून अगर होगी ठुल जून जून ऐसा बहुत सारे जून होंगे तो उनको जून ही बोलेंगे उनको जून नहीं बोलेंगे तो दीज आर द कॉम्प्लिकेसेस ऑफ ग्रामर जो हमें सिर्फ वर्ड बाय वर्ड याद रखना है सेंटेंस बाय सेंटेंस ओके यू विल कम टू नो व्हेन यू विल लर्न मोर एंड मोर दिस कम्स टू प्रैक्टिस ये जब आप एक बार देखेंगे ये बार बार हम अभी बहुत बार आएगा तो आपको याद हो जाएगा इसमें इतने मुश्किल नहीं है ओके नाउ वी आर डूइंग अ पोएम व्हिच इज वेरी फेमस एंड व्हिच हैज बीन डन विद सो मेनी पीपल हैव डन दिस सो मेनी चिल्ड्रन हैव डन दिस तो आज हम आपके लिए ये ड्रग क्योंकि इससे इसमें से सब कोई जितने भी हमारे वॉवल्स हैं इसमें हैं तो जिसको ये बहुत अच्छे से बोलनी आएगी रुको तो इट इज रिटन हियर यू कैन डू तो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो पहले सुनाएगी उसके बाद मैं सुनाऊंगी कम नहीं पहले मैं एक बार सुनाऊंगी कुत्ते गसक गिलिए बेरी बेरी खा केह करनी गिलिए केह करनी गिलिए छूलन दी निफा कचई छी गिलिए अख्त पंचा अख जते गिलिए हराम हबी का तो मेरी ग्रैंड डॉटर को ये याद है क्योंकि शी हैड डन दिस शी विल सिंग चलो कुत्ती ना ऐसे से
कोटी घस के लिए बेर बेर का किन करने के लिए तूल दिनफा कुची चाय के लिए अक्त पंस अक्दते के लिए हराम हबी का थैंक यू since you were here, I thought that you should sing, you will feel good. तो इसलिए ये वाली पोइम सबको बोलनी है मैं एक बार फिर कराऊंगी तुम सब लोग इसको मेरे साथ साथ बोलते जाओगे अपने साथ कुत्ते गचक के लिए कुत्ते गचक के लिए बेर बेर खा बेर बेर, बेर खा केहे करने के लिए केहे करने के लिए छुलन करने के लिए छुलन दिनी छुलन दिनी फा छुलन दिनी फा ठूल होते हैं अंडे How many are there? Katsi means how many? Katsi chi gilie. Katsi chi gilie. Akht pancha. Akht pancha. Akht means one pancha ko ho gaya pachas. Ye word idhar hai katsi chiyai gilie. Katsi chiyai gilie. Akht pancha. Katsi chiyai. Akht pancha. Akht ditai gilie. Give me one. Akha, ditai gilie. Haram habi ka. Haram habi ka. I have got nothing. So can you read? Zara koi suna sakta hai? Kyunki isme sabhi vowels hain. Can anybody sing? Anybody want to attempt it? Ma'am, word ke meaning bata dijiye. Wo. Gilie ka meaning kya hai? I think this is gilie means khoobsurat, beautiful. Hey, baaki master ji bole. Gilie is a water bird. Achha, gilie hoti water. Gilie is a water bird. Kote gasa gilie. Kashmiri mein jab kisi ko khoobsurati mein bolte hain, tab sach gilie. Ah, gilie. Kyunki wo aisa bana. Khoobsurat bird hai, ha. Haan. Berry berry kha ka kya meaning hai? Kha ka. Berry berry kha. Kha means field. Berry means from the periphery. Okay. From the periphery into the field. Okay. Kya karne ke liye? What for? Kya kar? What are you going there for? Phoolan dini faa. Phoolan dini faa. Faa means? Kyun ko ande seekne ke liye ja rahi hai. Okay. Kutsi chiye ke liye? How many do you have? Oh, gil. How many do you have? Akhtapansa. I have 51. I have 51. 51, huh? Akha jitai ke liye. Oh, give me one. Give me one. Haram habika. I have none. Mere paas kuch nahi hai. I have none. Thank you very much. ये पोइम हमने कराई थी बहुत सारे बच्चों ने इसको लर्न किया था कंपटीशन हुआ था एंड दिस वाज अ हिट पोइम तो अब आप लोग भी इसको करो तैयार करो नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ठीक है मैम आप फिर से गा सकते हैं मैम बिल्कुल 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 कौन मेरे से क्या आप गाओगे मैम आप एक और बार मैं सुनाऊंगी बिल्कुल कुत्ते गच्छ के लिए बेर बेर खा केह करने के लिए ठूलन दिन फा कुत्ते छिए के लिए अक्त पंचा अखा दते के लिए हराम है भी का You can pragya, you can sing it also. इसको आप गा भी सकते हो, record भी कर सकते हैं. मैं थोड़ा गा कर बताऊंगा. आप याद रखो, फिर आप भी गा सकते हैं और जब perfect हो जाए तो आप record कर सकते हैं और अपने group में आप वो circulate भी कर सकते हैं. Give your name, give your roll number, give your class and then you can circulate it. Okay? Okay, sir. Mama. के है करने के लिए ठूलन दिन फा कुछ छे ये के लिए अक्त पंचा अखा जता के लिए हराम है भी का ओके बहुत अच्छा मास्टर जी मुझे ना राइम में डाउट बोलो बोलो अरे वो जो सेकंड लाइन है ना आप उसका प्रोनाउंसिएशन वापस कर सकते हैं क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्ट हो रहा है एक बार और गाकर सुनाऊंगा आप याद रखिए
कुत्ते गच्छा गिले ये बेरी बेरी खा के है करने गिले ये ठूलन दिने फा कच्ची छिये गिले ये अख्त पंचा अखा दिता गिले ये हराम है बीका। ओके मास्टर जी समझ गए। इसमें मार्क्स होंगे जब आप रिकॉर्ड करके भेजोगे इसमें भी मार्क्स होंगे। हाँ इसमें भी मार्क्स हम दे देंगे और आपको ऐड हो जाएंगे वो मार्क्स, उसके ऐड हो जाएंगे अपने मार्क्स के उसमें। ठीक है सो टुडेज लेसन इज लेसन का एंड हो गया है। एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। ऊपर कीजिए इसको, ऊपर कीजिए एकदम ऊपर। नहीं 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 मतलब पेपर को ऊपर कीजिए, एंड में लाइए इसको। ये लिखा है रिमेंबर दिस राइम, वी विल आस्क यू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको हमारे सामने भी गाना पड़ेगा। ओके ठीक है। ओके यस मैम। एनी डाउट कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना था जैसे हम वर्क को कहते हैं कर्म करण एंड वेद को कहते हैं श्रान करुण, तो मैम कांट वी से कर्म करुण एंड श्रान करण, विल इट बी करेक्ट? नो, श्रान इज मस्कुलाइन एंड कर्म इज फेमिनाइन, दैट्स इट। मैम तो हमें लाइक पता होना चाहिए कि किसमें फेमिनाइन है, करिन यूज करना है किसमें। वो वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, वो आप ऐसा ऐसा सीखेंगे, वो आप ऐसा से जो जो वो वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, जो हम पढ़ाए जाएंगे तो आप वो सीखेंगे। सर एक और चीज, जैसे हम कमियर को कहते वल्यूर या यूरी, तो बॉय के लिए हम यूर यू बोलेंगे? यूर ये नहीं, उसके लिए भी यूर भी बोल सकते हैं, यूर यूर। Okay, sir. Okay, ma'am. Thank you. Ye means Anna. Okay. Thank you, sir. Chale, document ko nikaliye bahar. Pehli wali rhyme ka bhi meaning milega. Haan? Pehli wali rhyme ka bhi meaning milega, sir. Kaun si rhyme? Rani gai malyun. हाँ तो वो जब हम करेंगे तभी आएगा, अब करेंगे उसका भी बताएंगे। अच्छा अभी आएगा? हाँ हाँ आएगा। ओके चलिए, एनी क्वेश्चन नाउ? नो ठीक है, इट्स ओके। चलो देन सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार वितस्ता, वितस्ता दरिया है, ये कहां से निकलता है? वितस्ता चिकाती कात करान बिचस ना बोजानी ही क्या चवाना वितस्ता चिकाती। हां बोलो। हां जी वितस्ता कमिजाई पर से नियरान, उस जगह का नाम बताओ। व्यथवतुर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहलम क्यों बोलते हैं? हां जी जहलम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पाकिस्तान में एक सिटी है जिसका नाम झेलम है। हाँ जहाँ से ये निकलती है। गुड नहीं नहीं जहाँ से निकलती नहीं है, जहाँ से गुजरती है उसका नाम झेलम है, जहाँ से गुजरती है। ठीक है ओके गुड गुड वेल डन। चलिए ओके बाय 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 प्रज्ञा गाल सबसे शीरित वजुल वजुल God bless you. Thank you. Namaskar. Namaskar, Mara. Namaskar, Mara. Thank you, Master Ji. Namaskar.
मैम सर सर आपने ठूल जून जो बोला उसका मतलब क्या फुल मून होता है? ना 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 ठूल जून वो जो येलो क्या बोलते हैं उसको जो एग में वो येलो होता है योक 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 एग योक उसको ठूल जून बोलते हैं पर जून जून इन द ठूल अच्छा जून इज मून बट ठूल जून इज अंडे वाली जो दैट इज आल्सो लाइक मून अगर बहुत सारी अगर वैसे बहुत बहुत सारे योग्स होंगे तो उनको भी जून ही बोलते हैं जून आख जून जून त्रजून चोर जून उनको जून करके नहीं बोलते जैसे हम डून को डून बोलते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी सर इसकी जून जून की यू क्या न के नीचे लगेगा ना वो ज के नीचे डॉट आएगा फिर रोमन वाली आएगा और चंद्र आएगा नीचे ये रोमन का पूछ रहे हैं रोमन में जेड और यू के ऊपर लंबी डंडी और एन और यू के ऊपर कैप अच्छा ओके सर थैंक यू मैम ओके ब्लेस एवरीबॉडी थैंक यू मैम स्टे सेफ एंड हेल्दी थैंक यू मैम नमस्कार मैम मास्टर जी करना जी मधु जी तो खाइए वहां बात खाइए आज में लंच तैयार है तो आज वो लंच तैयार हैं क्या ये वंटे बता बता आ है बाजे उनका पर का लंच उनका सो मैं छन पता कर बाजे उनका सो लो तेल का बता दो आज के तो आया भाई व्याक चाय कपा मास्टर चाय मास्टर जी को ब्रेकफास्ट हुई ये चोट पे पास है बोल दो पर शायद चीज हुई होत मत मत लेट गसन सुच असल दो ڈنر کر